दोस्तों राजस्थान क्वालिफायर 2 में पहुंचा बेंगलुरु एनिमेटर में हारकर बाहर। दोस्तों आईपीएल 2024 के एनिमेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से था। दोस्तों यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु ने 172 रन बनाए थे और जवाब में राजस्थान ने 19 ओवर में 6 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। दोस्तों अब राजस्थान का सामना 24 मई को क्वालिफायर 2 में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। दोस्तों 26 मई को फाइनल खेला जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इस रोमांचक मैच का पूरा हाईलाइट आपको दिखाएंगे, तो अंत तक बने रहे। लेकिन दोस्तों अगर आप राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का यह मुकाबला देखे हैं तो वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी शुरू हो चुकी थी और ओपनिंग में विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस उतरे थे। दोस्तों हम आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5वें ओवर में 37 के स्कोर पर पहला झटका लगा था। दोस्तों ट्रेंट बोल्ट ने कप्तान फाफ डुप्लेसिस को रोमन पॉवेल के हाथों कैच कराया। दोस्तों वह 14 गेंद में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 17 रन बनाकर आउट हुए थे। दोस्तों बोल्ट ने अब तक किफायती गेंदबाजी की है। दोस्तों उन्होंने 3 ओवर में 6 रन खर्च किए और 1 विकेट लिया। दोस्तों हम आपको बता दें कि 7 ओवर के बाद बेंगलुरु ने 1 विकेट गंवाकर 56 रन बना लिए थे। दोस्तों फिलहाल कोहली 22 गेंद में 33 रन और कैमरा ग्रीन 6 गेंद में 3 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों इससे पहले ट्रेंट बोल्ट ने फाफ डुप्लेसिस को पॉइंट भेजा था। दोस्तों 8वें ओवर में 56 के स्कोर पर बेंगलुरु को दूसरा झटका लगा था। दोस्तों कप्तान फाफ डुप्लेसिस के बाद विराट कोहली भी पॉइंट लौट चुके थे। दोस्तों डुप्लेसिस को बोल्ट ने रोमन के हाथों कैच कराया था और वह 17 रन बना ही सके थे। दोस्तों वही कोहली 24 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हुए थे। दोस्तों अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का लगाया। दोस्तों चहल ने उन्हें डोनन फरेरा के हाथों कैच कराया। दोस्तों फिलहाल कैमरा ग्रीन और रजत पाटीदार क्रीज पर। 10 ओवर के बाद बेंगलुरु ने 2 विकेट गंवाकर 76 रन बना लिए थे। दोस्तों फिलहाल कैमरा ग्रीन 14 गेंद में 18 रन और रजत पाटीदार 8 गेंद में 5 रन बनाकर खेल रहे थे। दोस्तों आपको बता दें कि रोहन चैलेंजर्स बेंगलुरु को 13वें ओवर में 97 के स्कोर पर 2-2 छक्के लगे थे। दोस्तों अश्विन ने लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट लिए थे। दोस्तों उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर कैमरा ग्रीन को रोमन पॉवेल के हाथों कैच कराया और ग्रीन 21 गेंद में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 27 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों इसके बाद चौथी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल को अश्विन ने ध्रुव जुड़ूर के हाथों कैच कराया था। दोस्तों मैक्सवेल खाता खोले ही बिना पॉइंट लौट चुके थे। दोस्तों हम आपको बता दें कि बेंगलुरु को 15 ओवर में आवेश खान ने 5वां झटका दिया था। दोस्तों उन्होंने रजत पाटीदार को रियान पराग के हाथों कैच कराया। दोस्तों रजत ने 22 गेंद में 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 34 रन की पारी खेली थी। दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर दिनेश कार्तिक को लेकर भी आवेश ने एबीडब्ल्यू की अपील की थी, लेकिन अंपायर ने आउट भी करा दिया था। लेकिन कार्तिक ने डीआरएस का इस्तेमाल किया और दोस्तों थंड अंपायर को लगा कि गेंद बल्ले का किनारा लेकर पेड पर लगी है और ऐसे में उन्हें नॉट आउट दिया गया। दोस्तों 15 ओवर के बाद बेंगलुरु का स्कोर 5 विकेट पर 125। दोस्तों आपको बता दें कि 17 ओवर के बाद बेंगलुरु ने 5 विकेट गंवाकर 144 रन बना लिए थे। दोस्तों फिलहाल महिपाल नंबर 10 गेंद में 19 रन और दिनेश कार्तिक 10 गेंद में 10 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। दोस्तों 19वें ओवर में बेंगलुरु को 2 झटके लगे थे। दोस्तों आवेश खान ने दिनेश कार्तिक को एसएसपी जायसवाल के हाथों कैच कराया। दोस्तों वह 13 गेंद में 11 रन ही बना सके थे। दोस्तों इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर आवेश ने महिपाल नंबर 1 को रोमन पॉवेल के हाथों कैच कराया। दोस्तों फिलहाल सोप्रीत सिंह और करण शर्मा क्रीज पर मौजूद थे। दोस्तों 19 ओवर के बाद बेंगलुरु का स्कोर 7 विकेट पर 159 रन। दोस्तों हम आपको बता दें कि एलिमिनेटर में बेंगलुरु ने राजस्थान के सामने 173 रनों का लक्ष्य रखा था। दोस्तों टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 172 रन बनाए। दोस्तों रजत पाटीदार ने सबसे ज्यादा 34 रन बनाए और जबकि विराट कोहली 33 रन और महिपाल नंबर 32 रन बनाए। दोस्तों फाफ डुप्लेसिस 17 रन, कैमरा ग्रीन 27 रन और दिनेश कार्तिक 11 रन और करण शर्मा 5 रन बनाकर आउट हुए थे। दोस्तों वही ग्लेन मैक्सवेल खाता नहीं खोल सके थे। दोस्तों राजस्थान की ओर से आवेश खान ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए और वही अश्विन को 2 विकेट मिले और ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा और चहल को 1-1 विकेट की सफलता। दोस्तों राजस्थान की पारी शुरू हो चुकी थी और यशस्वी जायसवाल और टॉम कॉलर कैडमोर एक क्रीज पर मौजूद थे। दोस्तों बेंगलुरु के लिए पहले ओवर में बाएं हाथ के स्पिनर सोप्रीत सिंह ने गेंदबाजी की। दोस्तों 1 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर बिना किसी विकेट के 2 रन था। दोस्तों हमको बता दें कि 3 ओवर के बाद राजस्थान ने बिना कोई विकेट गवाए 22 रन बना लिए थे। दोस्तों 5 ओवर के बाद राजस्थान ने बिना कोई विकेट गवाए 45 रन बना लिए थे। दोस्तों फिलहाल यशस्वी जायसवाल 16 गेंद में 24 रन और टॉम कॉलर कैडमोर 14 गेंद में 20 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों कैमरा ग्रीन ने यशस्वी और मैक्सवेल ने कैडमोर के आसान कैच छोड़े थे। दोस्तों ये दोनों कैच यश दयाल की गेंद पर छूटे थे। दोस्तों राजस्थान की पावर प्ले की आखिरी ओवर में यानी 6वें ओवर में 46 के स्कोर पर पहला झटका लगा था। दोस्तों लॉकी फर्ग्यूसन ने टॉम कॉलर कैडमोर को क्लीन बोल्ड किया था। दोस्तों वो 15 गेंद में 4 चौकों की मदद से 20 रन बनाकर आउट हुए थे। दोस्तों हमको बता दें कि 9 ओवर के बाद राजस्थान ने 1 विकेट गंवाकर 80 रन बना लिए थे। दोस्तों
राजस्थान को 10वें ओवर में 81 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा था। दोस्तों एसएसबी 30 गेंद में 8 चौके और की मदद से 45 रन बनाकर आउट हुए थे। दोस्तों उन्होंने कप्तान संजू सैमसन के साथ दूसरे विकेट के लिए 35 रन की सरदारी निभाई। दोस्तों एसएसबी को कैमरन ग्रीन ने विकेट कीपर कार्तिक के हाथों कैच किया। राजस्थान को लगातार 2 ओवर में 2 झटके लगे थे। दोस्तों 10वें ओवर में एसएसबी 45 रन बनाकर आउट हुए थे और दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में कप्तान संजू सैमसन आउट हुए। दोस्तों एक वक्त राजस्थान का स्कोर 1 विकेट पर 81 रन था। अब टीम ने 46 रन तक आते आते 2 विकेट गवा बैठे थे। दोस्तों सेम संकरण शर्मा ने की गेंद पर आगे बढ़कर मारने के चक्कर में स्टंप हो गए। दोस्तों वो 17 रन बना सके थे। दोस्तों 11 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 3 विकेट पर 98 रन था। दोस्तों हम आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स को 112 के स्कोर पर चौथा झटका लगा था। दोस्तों ध्रुव जुड़े 2 रन बनाकर के चक्कर में आउट हुए थे। दोस्तों 16 ओवर के बाद राजस्थान ने 4 विकेट गवाकर 143 रन बना लिए। दोस्तों अब उन्हें 24 गेंद में 30 रन की जरूरत थी। दोस्तों फिलहाल सिमरन हेटमायर और रियान पराग क्रीज में मौजूद थे। दोस्तों 18वें ओवर में 157 के स्कोर पर राजस्थान को 5वां झटका लगा था। दोस्तों सिराज ने रियांग पराग को क्लीन बोर्ड किया। दोस्तों वह 26 गेंद में 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 36 रन बना सके थे। दोस्तों 18 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 6 विकेट पर 160 रन था। दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर सिराज ने सिमरन हेटमायर को डुप्लेसिस के हाथों कैच कराया। दोस्तों राजस्थान को 12 गेंद में 13 रन की जरूरत थी। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल 2024 में एनिमेटर में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हरा कर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। दोस्तों इस तरह बेंगलुरु के लगातार 6 मैच जीतने का सफर भी खत्म हो गया है। दोस्तों टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलुरु ने 20 ओवर में 8 विकेट गवाकर 172 रन बनाए थे और जवाब में राजस्थान ने 19 ओवर में 6 विकेट गवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे रोमांचक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।